तैमूर सलाउद्दीन, व्हाट डिड यू कॉन्कर? व्हाट डिड आई कॉन्कर? वो वालिद साहब ने तैमूर, अभी हमारी यही बात हो रही थी कि मेरा नाम एक कॉन्कर के बाद रखा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ खास कॉन्कर नहीं किया था। ये आपको पत्ते अच्छे लगते हैं? हाँ, पत्ते अच्छे लगते हैं, मतलब उस हद तक पत्ते अच्छे लगते हैं। दरख्तों के बारे में मुझे बड़ी एक दिलचस्प बात लगती है कि उनकी पूरी शख्सियत जो होती है ना, उनके पत्ते के ऊपर, जिस तरह हमारे यहाँ पे निशान बने होते हैं ना पत्तों के ऊपर, उनकी तकरीबन पूरा फिंगरप्रिंट आ जाता है। हाँ, ये भी तो मैं कई दफा देख के उनको सोचता हूँ कि यार, ये हमारा जो हम अंदर होती है शख्सियत, पत्तों के थ्रू दरख्त बाहर अपनी शख्सियत फैला देते हैं। वाओ, वेरी नाइस। सो आर यू अ नेचर लवर? आई एम वेरी मच अ नेचर लवर। डू यू लव बीइंग नेचुरल? I try to be natural, but I love nature in general. एक होता है ना natural, ये भी होता है like birthday suit natural. मतलब हम कितने natural हैं मथीरा, मतलब कि अभी हमारे shoot होने से पहले अभी makeup भी हुआ है हमारा, क्या क्या चीजें हम अपने आप के साथ करते हैं कैमरे पे आने के लिए, तो natural क्या रह गया भाई? मुझे बता, YouTube कैसे, how? उस वक्त तो believe YouTube पे तो लोग ऐसे लेते रहते, छोड़ो यार वेली चीज है ना, टाइम जाया कर रहा है, पैसे इससे आएंगे नहीं आएंगे। अभी वही जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं हाँ भाई कर लेना, हमें भी प्रमोट। हाँ, मतलब YouTube उस वक्त ऐसा था कि मैं कमर्शियल डायरेक्टर बना था, मैंने अपना बैचलर्स इन फिल्म प्रोडक्शन किया था। okay. तो मैं फिल्म मेकिंग पढ़ के आया था अमेरिका से, और फिर जब मैं वापस आया wow. तो मैंने कहा कि कमर्शियल्स करते हैं क्योंकि उसमें पैसे थे। तो कमर्शियल्स बनाते वक्त मैंने एक चीज रियलाइज की कि कोई क्रिएटिव कंट्रोल है ही नहीं। वो आपको देते हैं स्टोरी बोर्ड, वो कहते हैं एग्जीक्यूट कर दे, हर बंदा स्माइल कर रहा होगा, प्रोडक्ट मुंह पकड़ा होगा। हाँ, इसमें क्या आर्ट क्या है इसमें, मेरी दुल्हन होगी, हमेशा शादी होती है और शादी होती है। आपके एड्स मुझे बड़े क्रिएटिव लगते हैं, स्पेशली जो कॉन्टेंट वाले, आई लव देम, वो कमाल है, वो कमाल। नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वी प्ले ऑन अ वेरी नॉटी ह्यूमर, बिकॉज हमें मैसेज पहुंचाना है हंसी के साथ। अब ये क्या होती है, खड़े होकर बच्चे दो या अच्छी बहन दी चुकी है तो सबको पता होता है, तो सामने वाले समझता नहीं है, दो 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 बनाते बनाते छह ही अच्छे हो जाते हैं। अगर लोगों को एंटरटेन करते हुए मैसेज नहीं दोगे तो सुनेंगे भी नहीं ना, वो रूम में इतना एंटरटेन हो रहा हो तो मैसेज ही नहीं सुनते, म्यूट पर होती है। वो भी हो सकता है जो आपने कर दिखाया। राइट नाउ यू आर वन ऑफ द टॉप YouTubers, कैसा लगता है? I like it. I mean, वही मैं आपको बता रहा था, मजा आता है, commercials बना रहा था, गुरूर होता है, सीना चौड़ा होता है जब वो, मैं कोशिश करता ना हो। Wow, love marriage. बताओ ये कैसे हुआ सिमरन के साथ प्यार? Ex-girlfriend से ब्रेकअप होने पे मैंने एक गाना बनाया और वो गाने की वीडियो बनाते वक्त मुझे अपनी बीवी मिल गई। ओह, क्या बात है, मरियम की तो जल गई। मरियम पता नहीं उसने सुना भी होगा कि नहीं सुना, वो जल गई, मैं बोल रही हूँ ना। लाल हो गई उसकी, उम्मीद है लाल हुई होगी। इट डिपेंड्स, सामने वाला इन्हें कितना मारा होगा वहाँ। नहीं, उम्मीद है वो भी खुश है यार, क्या पता। हाँ, 50 Shades of Grey पर आपको पता है लोग तो बड़े नेक्स्ट लेवल हो गए लाल करने में। हाँ, वो तो हाँ, बहुत लाल, यू नो इट्स बिकम अ न्यू फैशन, लेदर डार्लिंग, लेदर की सेल्स आप हो गए 50 Shades of Grey। आज आप मुझे भी लाल ही करके यहाँ से भेजेंगे मुझे लगे। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अरे शुक्र है लाल, कुछ लोग तो ब्लू भी हो गए। खैर कोई बात नहीं, मुझे एक बात बताओ, इतनी यंग एज में माशाल्लाह, यू नो यू आर सो बैलेंस्ड, स्टार साइन क्या है? Aquarius. Okay, I've had a really, really bad experience with Aquarius. अच्छा? बड़े alien होते हैं. Alien होते हैं? हाँ. मतलब कि कोई खुलाई मखलूक होते हैं वो. हाँ, वो पता नहीं कुछ ऐसे ही समझते हैं. अच्छा? हाँ, उनको अच्छा, लगता है कुछ star sign को believe नहीं करता. Feelings, पता नहीं उनको लगते हैं feelings एक जैसे एक computer में कोई virus आ जाता है ना, जब उनको feeling हो रहा होता है, हाँ. उनको ऐसे घबराहट फड़फड़ाहट होने लगती ये है, फड़फड़ाते हैं एक वजह से. हाँ, is that true? मतलब मैं एक तो star sign, मुझे बताओ, how did she get you? That's the main catch. How did she get me? Because Aquarius, आपको अगर आप दीवार पर सर मारोगे वो दीवार फट जाएगी, Aquarius नहीं फटेगा, मसला ये होता है। मैं इन चीजों में नहीं मानता, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं समझता हूँ कि दीवार में ना कभी सर मारा है और ना दीवार कभी फटी है, तो मतलब मैं क्या कहूँ चीज के ऊपर। अगर उस जमाने में होता ना गाने की जगह मैंने मरियम यहाँ पे लिख दिया होता। हाँ, लेकिन अब मैंने गाना लिखा है क्योंकि मैं सेंसिबल हो चुका। ओके, नाइस, शुक्र है टैटू नहीं किया। शुक्र है, नेवर टैटू योर एक्स हस्बैंड। Oh, वो really? जितना दुख नहीं देगा उतना टैटू दुख देगा निकालने के लिए। Are you still gonna keep it or you gonna get it? I don't know. I'm trying to put it into I don't know what. खैर कोई बात नहीं। छुपा के पहले। Don't look at this finger, please. नहीं नहीं ऐसा होता रहता है। Never tattoo anyone's name.
मतलब फैमिली का वो एक अलग चीज होती है, माँ बाप ये सारे लोग अलग होते हैं, लेकिन वो जो आने जाने वाले लोग होते हैं ना उनको बिल्कुल टैटू नहीं करना। हाँ, वैसे भी मुझे लगता है कि परमानेंटली किस इंसान का आप टैटू कर सकते हैं, अल्लाह के अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, पर हाँ, एक ही चीज है जो आपको लगता है कि आप पैदाइश से लेके एंड तक आप बिलीव कर सकते हो, और वो भी मेरे ख्याल से वो भी आपके साथ होगा। पता नहीं है टैटू हलाल है हराम है, तो मैं कहता हूँ टैटू से दूर ही रहो बेहतर। ओए होए होए होए, although I don't say, मैंने बहुत खूबसूरत टैटूज देखे हैं लोगों के ऊपर, और मैं अप्रिशिएट बड़ा करता हूँ टैटूज को, लेकिन मैं अपने ऊपर नहीं किया, क्योंकि अब व्हाट इफ मैंने किसी लड़की का नाम लिखवा दिया होता या किसी आइडिया का नाम भी लिखा दिया होता और उस आइडिया से मेरी कोई लगाव ना होता, तो फिर वो दूसरी सर्जरी होती है जिसमें रिमूव करते हैं। हाँ, उसमें बहुत दर्द होता है, बहुत महंगी, तो छोड़ो दर्द बहुत होता है, हट जाती है बंदे के लिटरली। अच्छा, करवाई भी आपने? हाँ, I've done one sitting और फिर मैंने बोला यार छोड़ दो, ये तो कुछ भी नहीं किया अभी, ये से बहुत ज्यादा डार्क था, ये बहुत ज्यादा डार्क था। अभी इसकी तीन चार सिटिंग्स होंगी, अभी नहीं, अभी कोई सिटिंग नहीं होगी, ना नाम पर ध्यान होगा ना इस उंगली पर ध्यान होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब भूल जाओ, ये सब तुमने भूल नहीं जाओ देखा। ये तुमने देखा ही नहीं, एडिट एडिट एडिट, मजाक कर रही हूँ। दिस इज लिटरली, एक चीज होती है ना, यहाँ बैठ कर इस सोफे पर सिर्फ सच्चाई निकलनी चाहिए, यू नो। आई एग्री। कभी ऐसा हुआ कोई बैड एक्सपीरियंस इन लाइफ? हाँ, मतलब इस तरह की जो आप कह रहे हैं, मतलब ही किस्म के लोग जो मिलते हैं बाद में, एक दो वाकये तो बता दो। वाकये बताऊं कि किस तरह के वाकयात? इस तरह है, लोग जब आपके पास कुछ होता है, अगर आपके पास कोई पॉपुलैरिटी हो या कोई ऑर्गेनिक रीच हो, तो उसके बाद एक किस्म की लोग आपको कांटेक्ट करते हैं जो आपसे कुछ चाहते हैं, लेकिन वो मार्केट भी होती है एक तरह से, तो उस मार्केट के अंदर जब आप एग्जिस्ट करते हैं तो आपको एक तरह से ये भी पता चल जाता है कि मेरी तोल के मेरी वैल्यू क्या है। तो क्यों नहीं हमने दिया? नहीं, हमने हम तो लड़के ढूंढ रहे होते होते थे, वो लोग लड़के लाते थे, बोलते थे ये, मैं बोलती थी नहीं नहीं, वो बोलते थे मतीरा का हस्बैंड बनना है, उस वाले का मतलब पांच छह थे उनमें से एक की पता है, मेरे इतने हस्बैंड औरत वही है, मियां बदलती रही है, मसला ये है। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कमर्शियल आई हैव प्लीज, आई वुड लव टू हैव दैट, you know, yes. We can educate it very nicely. Haan. Not in the VPN andaaz mein, but the normal andaaz mein. लोगों को बताया जाए कि contraception क्या होता है. We are so back in sex education. हाँ, और वो फिर वो ख्वातीन, मुझे तो लगता है कि कई दफा एक वो गुलामी की जिंदगी होती है जिसमें वो बच्चों पे बच्चे पैदा करती है, हर नौ महीने बाद भड़ूस एक और, फिर भड़ूस एक और समझ में नहीं आता, पैदा वो कर रही है और सास हक ऐसे जमाती है जिससे प्रोडक्शन उसका चल रहा है, उसी प्रोडक्शन उसी का ही चल रहा होता है, उसने पहले प्रोडक्शन की थी ना, तो अब वो प्रोडक्शन करवाएगी उसके। मुझे लगता है वो जो प्रिंटर नहीं होता जो एरर में बहुत सारे एक ही तस्वीर छाप रहा होता है थर्ड थर्ड एकदम से, वो ही कुछ लोग हो रहे होते हैं। ये एक छोटा सा मैसेज है, प्लीज कोशिश करें बच्चे कम करें। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कोई अप्रोच कियो, तारा अगर तुम्हारे लिए ये कर दोगे मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी या कर दूंगा, किस ये क्या है और वो क्या है? एक होता है ना जैसे लाइक कास्टिंग काउच या कोई भी स्विंग या एक जब कास्टिंग टेबल कुछ भी इस तरह नहीं। मुझे एक दफा ये हुआ है कि मुझे एक डायरेक्टर साहब ने कहा कि तुम अगर इस मूवी में आओगे ना तो तुम बन जाओ। वो अभी तक बना रहे हो उसको? वो अभी तक बना रहे, वो हर एक इंसान को बना रहे जो इस फिल्म में। उसके बाद फिल्में लिखी गई हैं, शूट हो गई हैं, रिलीज हो गई हैं, पैसे बना गई हैं, वो फिल्म शूट होने के बाद एडिट में ही फंसी थी, मैं बनता ही रह जाता वहाँ पे अगर मैं दे दूँ। मुझे लगता है फिर वो एडिट का बहुत बड़ा मसला हो गया होगा। एडिट का भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या मसले होते हैं। मैंने एक मैंने एक्चुअली फिल्म में हीरोइन का भी मसला हो जाता है ना। हाँ, ये भी हो जाता है कि आप अगर कपल को कास्ट करते हैं और वो शूट के बीच में उनका ब्रेकअप हो जाए तो फिर उसके बाद वो फिर और कट्टे छूट भी नहीं करना चाहते, इस तरह की भी फिल्में फंसी हुई पाकिस्तान। ओह वाओ, हाँ ऐसे तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है दैट अगर आपका ब्रेकअप भी हो जाए, ठीक है, मुझे एक जो चीज लगती है दैट इवन इफ यू हैव अ डिवोर्स कोई बात नहीं, यू गाइस कैन स्टिल बी फ्रेंड्स। लेकिन व्यूज चल रही है, सब कुछ हो रहा है इसका जलन, यानी कि मुझे कभी किसी और यूट्यूबर से जलन हुई है? क्यों नहीं हुई, किसको जलन नहीं होती? तो क्यों, कौन सी वीडियो थी जो फारिक थी? किसकी, किसी का नाम लू, किसी की वीडियो नहीं, बस पर नाम बता दो, वीडियो वीडियो का टाइटल बता दो, हम खुद ढूंढ लेंगे। अब वो मुझे याद भी नहीं कौन सी वीडियो थी, लेकिन okay, मैं बहुत डिस्क्राइब कर लो, बंदा मोटा था, फद्दा था, कितने मिलियन, यू नो,
सब्सक्राइबर्स है उसके। मतलब मैं आपको इस तरह बताऊं कि जलन जो है ना, आप चाहते हो कि आपसे लोगों को भी हो, क्योंकि वो एक तरह की ऐसी फीलिंग होती है कि वो चाहते हैं कि वो आप हैं। कभी कोई ऐसी वीडियो बनाए वायरल करने के लिए जो तुमने बोला हो है ये मैंने क्या कर लिया, और जो एक्चुअली वायरल हुई? होता है ना दूसरों पे गंद उछालने वाली वीडियो, तो मैंने बनाई थी, आई एम एंबैरस्ड अबाउट इट। ओके, इट्स ओके। मैंने क्या बनाया, और मेरी बीवी ने मुझे पॉइंट आउट कर दिया कि ये क्या है, यू आर बेटर देन दिस। हाँ, एंड आई थिंक दैट अच्छी चीज ये होती है जो लोग अपनी गलतियों को ओन करते हैं। हाँ, I hate those people जो अपने ओन कर रहे हैं, उनको पता होगा वो गलत है लेकिन वो डिफेंड गेम खेल रहे होते हैं। Why? Why? Like, ऐसे क्यों करते हैं? मुझे तो लगता है हमारा पूरा मुल्क ये कर रहा है, हमारे मिनिस्टर्स ये कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी यही कर रहे हैं। आपकी एक्चुअली बेहतरी हो ही नहीं सकती जब तक आप अपने आप को, अपनी वीकनेसेस को एनालाइज ना करें। हाँ। और खुद के बारे में क्रिटिकल ना हो। अगर आपके अंदर अपना क्रिटिक नहीं है तो अपने आप को बेहतर किस तरह करेंगे? वो पाकिस्तान के लोगों में एक ही मसला है, बहुत सारे लोगों में, कि उनकी वीकनेस अगर मर्दाना हो गई तभी वो भागते हैं, वरना और कोई वीकनेस उनकी नहीं हो सकती। पर रियलिटी होती है दैट यू नो, आप मुझे एक बात बताओ, ये सवाल आई रियली वांटेड टू आस्क, व्हाट इज अ मैन? How do you describe a man? Biologically? No. क्योंकि इसमें gender भी आ सकता है, इसमें sex भी आ सकता है। नहीं, एक चीज होती है, लोग बोलते हैं मर्द होता है उसको तवंगर होना चाहिए, तो गुस्से वाला होना चाहिए। Please tell me, because you seem to be a guy who's very balanced, which I like. I really want you to give out a message. What is a man? लोग को लगता है मर्द को दर्द नहीं होता, unless you hit him on his balls. वहाँ पर भी बोलते हैं यार दर्द नहीं होता। Well, बैठ जाएंगे। पता नहीं, आई मीन मैंने जो मर्दानगी की डेफिनेशन अपनी बनाई है वो मैंने, आई कम फ्रॉम अ मैट्रियार्कल फैमिली टू अ सर्टेन डिग्री, और मेरे माँ बाप के जो पेरेंट्स हैव बिकम योर मॉडल्स ऑफ हाउ यू शुड बी, तो मेरे वालिद साहब जो है मैंने उनके अंदर कभी वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी देखी नहीं। मुझे नजर नहीं आई कि वो मुझे कहें कि यार मर्द ये होता है कि वो जाके लड़की को दबा के रखता है, उसको चपेड़ मारता है, मर्द हमेशा ऊपर होता है, पैसे हमेशा मर्द ने कमाने होते हैं, और औरत के पैसों का कंट्रोल मर्द के पास रहे, और औरत को डिसइनफ्रेंचाइज रखो इकोनॉमिकली। इस तरह की चीजें मैंने कभी देखी नहीं। मेरे घर में बड़ा एक बराबरी का एटमोसफेयर था, तो मेरे लिए जो मर्द की डेफिनेशन है वो मेरे अगर वालिद साहब से आती है और मेरे जो मेल हीरो से आती है, तो वो एक जेंडर बैलेंस की है। Okay. के दोनों जेंडर्स के अंदर ना म्याना रवि होनी चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। सही। और वो बैलेंस जो है वो ऑनेस्टली मैं भी अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है ना हार्मोन है, वो बायोलॉजिकल है, वो आपके साथ बड़ी अजीब अजीब चीजें करता है। सही। तो मैंने रियलाइज किया मुझे अगर मर्दाना गुस्सा चढ़ रहा हो ना सुबह सुबह जिम में जाके सारा निकाल दो। हाँ, वो वही निकाल दो। हाँ, वही निकाल दो। वरना निकालने की बहुत सारी चीजें होती हैं। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सारे दिन के लिए गायब हो जाती है। नॉट पंजाबी, नॉट पंजाबी नहीं आंधी, नहीं आंधी मैं थोड़ी बहुत आती है मुझे, मेरे को भी आती है थोड़ा थोड़ा करके। मैं एक दफा मैं सोच रही थी मैं पंजाबी कर रही हूँ, और जी मैं सिंधी कर रही थी, बंदा मुझे वो देख रहा था, आई सेड ओह गॉड आई एम सो एंबैरस्ड। यूट्यूब या जो लाल वाली ट्यूब होती है, यूट्यूब मतलब लाल वाली ट्यूब तो 15 मिनट के लिए इस्तेमाल होती है, यूट्यूब तो सारा दिन चलती है। सीरियसली ओनली 15 मिनट? ओनली 15 मिनट। वैसे हाँ, आपस की बातें स्टोरी बहुत बहुत बुरे होते हैं, बड़ी बैड, दे नीड टू वर्क ऑन डायलॉग। यू नो बहुत ही स्मार्ट बंदा आता है, कहता है कि हाउ आर यू डूइंग बेबी, आई जस्ट लुक सो फेक। ओके, अगर दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हो एंड यू हैव टू वर्क इन दैट इंडस्ट्री लाइक डायरेक्टर, अगर आपको दो जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, डायरेक्टर या कैमरामैन ऑफ अ पोर्न इंडस्ट्री, तो आप क्या बनना चाहोगे, डायरेक्टर या कैमरामैन? डायरेक्टर। व्हाई नॉट द कैमरामैन? क्योंकि चींटे आती हैं। लॉर्ड, मुझे लगा है तुमने बहुत ही करीब से देखा है। खैर कोई बात नहीं। ओके, कौन सा यूट्यूबर लंबी लंबी छोड़ता है कौन सा यूट्यूबर लंबी लंबी छोड़ता है लंबी लंबी छोड़ता है कौन सा यूट्यूबर? यार किसी की बकवास करनी पड़ जाएगी, शिट, अपने किसी दोस्त को ही कह देते हैं। अरे नहीं, नाम नहीं बता, बस हमें थोड़ा बहुत हिंट्स बता दो। हिंट्स बता दें, सच बोलना है। यूट्यूब है ही छोड़ने वालों से भरी हुई, पर आई थिंक यू शुड आल्सो लाइक यू नो कंपनसेट कर रहे होते हैं ना असल में। ये भी बात, पर मुझे एक और चीज लगती है दैट डोंट यू थिंक जो चीज है इट शुड बी जस्ट लाइक हाउ इट इज, क्योंकि काफी लोग आजकल की जो जनरेशन है वो प्रेशर ले लेती है।
हाँ उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक चली जा सकती है। हाँ यही हमने भाग दौड़ चलाई हुई है कि एक चीज को पाना है और उसी के पीछे लगे रहेंगे, लेकिन अगर आप हकीकत दिखाएं ना तो लोग रिलेट भी करते हैं। यूट्यूब पे ऐसे बहुत लोग हैं जो असलियत दिखाते हैं और उससे आप ज्यादा रिलेट करते हैं, तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता वो बनावट खुद ही गायब होती है। आई थिंक इट्स रॉ एंड रॉ चीजें अच्छी होती है। हाँ मजे की होती है, रियल होती है, रियल होती है, मजा भी आता है, रिलेटेबल होती है, फील भी आप करते हैं, फील भी होती है। एब्सोल्युटली राइट। कौन सा सबसे ज्यादा कंजूस है यूट्यूबर? कंजूस यूट्यूबर? हाँ किसने मुझे पैसे नहीं दिए और मुझे बुलाया? किसके पैसे बाकी है वो बोलता है, कल लो जी, कल लो, कल। यार यूट्यूबर पैसे दे देते हैं, दे देते हैं, ब्रांड्स बड़े कंजूस हो जाते हैं। रियली? हाँ एक्चुअली यूट्यूबर तो सारे ब्रांड से ले रहे हैं पैसा। अच्छा? हाँ पता नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता, कहते यूट्यूबर बुला देते हैं। कौन सा यूट्यूबर कंजूस है, इस पे मैं क्या जवाब दूं यार। हाँ एक है, एक सिंह कौन कंजूस था, उसने उस दिन मेंशन किया था कंजूस पड़ा है। कौन? नहीं यार उसका नाम नहीं ले सकते, वो तो अच्छा यूट्यूबर है। ओके किसी का नाम नहीं ले सकते, नहीं यार लेना। आपने मुझे मसले में डाल देने। कौन से यूट्यूबर सबसे ज्यादा ठरकी है? जुनैद भाई सबसे ज्यादा ठरकी है। जुनैद भाई गंजी स्वैग। हाँ जुनैद भाई कह सकते हैं, अगर आपका मूड हो तो आप कह सकते हैं कि ठरकी है। मैंने बोली टर्की है, मैं बोली टर्की नहीं है। मेरे से ज़्यादा He's married a friend of mine by the way। टर्की कोई नहीं रह गया ना यहाँ पे, मैं मोरो सबसे ज़्यादा टर्की है। Yes मोरो yes मुझे भी यही लग रहा है। हाँ लेकिन वो है ऐसा कंट्रोल में सही रखा हुआ है। हाँ वो जिम पर जाकर निकालता है 15 सेकंड 15 मिनट में, वो दूसरी ट्यूब पर चला जाता है। I am super chilled. Really? शुक्र है तुम चिल दो, यहाँ तो लोग गर्म हो जाते हैं। अच्छा? हमें बार बार बाइक चिल हो जाओ। Oh my God, हुए फटे छटे हुए? नहीं 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 ऐसे कुछ नहीं हुआ। Good. They go blue. Anyways, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, ये था हमारा आज का एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।